हजारीबाग जिले से कुछ ही दूरी पर बड़कागांव रोड पर एक बहुत पुराना और खास मंदिर है, जिसे नरसिंह स्थान मंदिर कहते हैं। यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है और यह भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की 5 फीट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति काले पत्थर की बनी है और बहुत ही सुंदर है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग जमीन से 3 फीट नीचे है। खास बात यह है कि यह शिव और विष्णु दोनों की प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं। इससे यह मंदिर शिव और विष्णु भक्तों के लिए बहुत खास बन जाता है। मंदिर में भगवान सूर्य, नारद, शिव पार्वती और यहाँ पर भगवान विष्णु की 10 अवतार की मूर्ति है। यह कार्तिक और माघ महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह नरसिंह मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। मंदिर का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसकी स्थापना 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्रा ने की थी। उन्होंने इस भगवान विष्णु की पूजा के लिए बनाया। यहाँ हर गुरुवार और पूर्णिमा के दिन पूजा का विशेष महत्व है। लोग मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए यह मंदिर भक्तों के लिए एक आस्था का बड़ा केंद्र है। इसके लिए नरसिंह स्थान लोग जो मेले में आते हैं, लोग आस्था और विश्वास के साथ जो भी मन्नत के लिए आते हैं मनोकामना पूरा हो जाता है। और यहाँ तुलसी पिंडा है, देवखान के बाद देवखान एकादशी के बाद आपका तुलसी विवाह होती है। तुलसी का विशेष महत्व रहती है। यहाँ शिवलिंग भी है, यहाँ नारियल फोड़ा जाता है और तुलसी माता का पूजा किया जाता है और मनोकामना के लिए चूड़ाकरण के लिए लोग आते हैं और मेले का लुत्फ़ उठाते हैं। यह मंदिर जो है 400 साल पुराना है। यह स्थापित जो है हमारे पूर्वज दामोदर मिश्रा ने किया था। नरसिंह भगवान को अपने हाथ पर रखा करके लाया था। उनको जानकारी हुआ था कि जहाँ सुबह हो जाएगा वहीं उंगली रख दे रहे। वैसी प्रकार 400 साल पुराना यहाँ और मुनि दामोदर बाबा के वंशज है। कार्तिक पूर्णिमा आज बाबा का जन्म दिवस के उत्सव पर मनाया जाता है। अपना नरसिंह भगवान की कृपा से पूरा होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।